हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फालूदा मिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बिल्कुल मार्केट से भी टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज अनामिका किचन में फालूदा मिक्स बनने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जो पैकेट है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसमें हमें अलग से न सेवैया बनानी पड़ती है, ना ही इसमें सब्जा अलग से फुलाना पड़ता है, ना कस्टर्ड की खोज करनी पड़ती है, ना ही मिल्क पाउडर। ये बहुत ही बढ़िया पैकेट है। इसे हम दूध में मिक्स करके बताएंगे कैसे बनता है, तो सारे स्टेप मैं आपको समझा के बताऊंगी। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, गैस पे हमें एक बड़ा सा पैन लेना है और उसमें हमें 1 लीटर दूध डाल देना है। दूध में हम डालेंगे 200 ग्राम पानी, क्योंकि दूध काफी गाढ़ा हो जाएगा अपना। हम पकाने के बाद इसे फिर 1 लीटर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और दूध को उबालेंगे। तो हम चम्मच की मदद से चलाते हुए दूध को उबालेंगे, जिससे इसमें क्रीम या मलाई न जमे। अपना दूध हल्का सा गुनगुना हो गया है। अब हम फालूदा मिक्स को काटेंगे, तो यहाँ से हम सीजर से इसे काट लेंगे। पैकेट को हमने काट लिया है। अब हम धीरे धीरे इसमें अपना फालूदा मिक्स डालेंगे और एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होता है कि अच्छे से अपना फालूदा मिक्स हो जाता है, गुठलियां नहीं पड़ती है। थोड़ा थोड़ा डाल के हम चम्मच से चलाते जाएंगे। हमने पूरा पैकेट खाली कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए 20 मिनट तक उबालेंगे, फिर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कैसे अपने फालूदा मिक्स में उबाल आ रहा है। हमें ऐसे ही चलाते हुए इसे 15-20 मिनट तक पकाना है, जिससे सेवैया पक जाए, फालूदा का इसमें जो सब्जा होता है वो भी थोड़ा सा फूल जाए। तो हमें चलाते हुए पकाना है। हमने आपको बता ही दिया, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला जाता है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स है, जैसे कि शक्कर हो गया। अगर आप ज्यादा स्वीट खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं, तो चम्मच भर लेके आप जीभ पे टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको फीका लगता है तो एक्स्ट्रा शक्कर डालिए, मैं यहाँ पे नहीं डालने वाली हूँ। जब तक अपना दूध और फालूदा मिक्स पक रहा है, तब तक हम थोड़ा सा सब्जा का बीज फुलाएंगे। वो आपको दिखा देती हूँ सब्जा का बीज कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब्जा का बीज कैसा होता है, मैं आपको झूम करके दिखा दे रही हूँ। इसे कोई तुलसी का बीज भी कहता है। ये फालूदा का मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसकी तासीर जो है बहुत ही ठंडी होती है, हमें वेट लॉस करने में भी इसकी सहायता मिलती है। तो हम इसे डेकोरेशन करने के लिए 2 चम्मच फुला रहे हैं। 2 चम्मच हमने सब्जा का बीज ले लिया है और 4-6 चम्मच पानी में हम इसे फुला दे रहे हैं। तो ये पानी मेरा गुनगुना है, क्योंकि ये जल्दी फूल जाएगा। अगर आपको टाइम है तो 4-6 घंटा पहले फुला के रख दीजिए। जब तक अपना फालूदा तैयार होगा, तब तक ये भी फूल के तैयार हो जाएगा। फूलने के बाद मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, हमने फालूदा मिक्स को दूध के साथ 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, गाढ़ी हो चुकी है, और ठंडा होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा होगा। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे। अपना फालूदा मिक्स रूम टेम्परेचर पे आ गया है, मैं छू रही हूँ तो ये ठंडा लग रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो जब हम फ्रिज में रखेंगे तो इसे 4-5 घंटा रखना होगा। अगर हमें जल्दी खाना है तो 1 घंटा के लिए फ्रीजर में रख के भी खा सकते हैं। ध्यान रहे 1 घंटा से ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो उसमें आइस जमने लगेगा। तो चलिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, फिर इसकी सर्विंग करके दिखाएंगे आपको। तो हमने फ्रिज में अपना फालूदा को 4 घंटा के लिए रख लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, जब हम उबाल रहे थे तो कितना पतला था, अभी कितना
गाढ़ा हो गया है, तो बस हमें ऐसे ही फलूदा चाहिए। चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। हमने दो ग्लास ले लिया है, उसमें हम चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम चॉकलेट सिरप को घुमा देंगे। जब हम अंदर फालूदा डालेंगे तो ये बाहर से बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो हमने ऐसे ग्लास को डेकोरेट कर लिया। तो हमने ग्लास को ऐसे थोड़ा थोड़ा सिरप को घुमाते हुए, इसका कोई शेप नहीं देना है, आप रफली इसे करेंगे तो इसका लुक बढ़िया आता है। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। दूसरा, हम सबसे पहले सब्जा का बीज डालेंगे, जो आपको दिखाया था हमने गर्म पानी में भिगोया था। तो हम सबसे नीचे इसमें एक एक चम्मच सब्जा का बीज डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे अपना चिल फालूदा। तो हम इसमें चम्मच की मदद से एक एक चम्मच डालेंगे। आधा हमने फालूदा डाल दिया है, अब हम थोड़ा सा इस पे टूटी फ्रूटी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। उसके ऊपर से फिर से हम अपना फालूदा डाल लेंगे। तो आपको जैसे मन करे वैसे अपना ग्लास को सजाइए, बहुत ही प्यारा लगता है। तो हम थोड़ा थोड़ा फिर से इसमें अपना फालूदा मिक्स डाल रहे हैं। इसके ऊपर से फिर से हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। यहाँ पे आप अपने मन पसंद फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को टूटी फ्रूटी पसंद है तो मैं वो डाल रही हूँ। अब हम इसके टॉप पे आइसक्रीम डाल देंगे। तो आप अपने मन पसंद फ्लेवर का आइसक्रीम डालिए। हमने टॉप पे आइसक्रीम रख लिया है, अब हम थोड़ा सा चॉकलेट से इसे डेकोरेट करेंगे। तो ये चॉकलेट सिरप है, देखिए कहाँ है। तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा चॉकलेट सिरप डालेंगे उसके ऊपर। फाइनली इसके ऊपर हम डालेंगे एक एक चेरी। आप देख सकते हैं अपना कितना बढ़िया प्यारा सा फालूदा मिक्स बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।